मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, पिछले 45 दिन से लगातार हड़ताल कर रहे हैं मनरेगा कर्मचारी। मरीन ड्राइव पर मनरेगा कर्मचारियों ने जनता से समर्थन मांगा है। नियमितीकरण को लेकर मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कमेटी गठन के 12 दिन बाद भी बैठक नहीं हुई। मनरेगा संघ के प्रवक्ता सूरज सिंह का बयान सामने आया, सीएम के आदेश के बाद नहीं हो रही कार्रवाई। सीएम से इस बारे में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, फिलहाल ये राज्य के कर्मचारी हैं और ये अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और ये चाह क्या रहे हैं और कौन से विभाग के हैं, इन तस्वीर के माध्यम हैशटैग लगाकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी मांग जो है पूरी हो सके। आप पूरा मामला समझते हैं, इनके आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांग है, छत्तीसगढ़ सरकार के जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक अंकित में जो सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया गया था, वही मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि जब तक अगर सरकार हमें नियमित नहीं कर देती है तब तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए पंचायत नियमावली लागू की जाए। अच्छा, राज्य स्तरीय आप लोग का आंदोलन है, कितने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच में क्या क्या अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या जनप्रतिनिधियों से आपसे बातचीत हुई? लगातार आज का यह 45 दिन का आंदोलन है। इससे पूर्व हमारी 2 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, सकारात्मक चर्चाएं निकल के आई और 8 दिनों पे 2 मुलाकातें हुई जिसके माध्यम से 6 मई को कमेटी गठित की गई। लेकिन 6 मई को कमेटी गठित हो जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। 12 दिवस व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। जो एक कमेटी पे भरोसा नहीं है इसलिए हड़ताल जारी है, क्या चाहते क्या है आप? निश्चित तौर पे प्रदेश के मुखिया जब 8 दिवस में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं और कमेटी जो प्रशासनिक तंत्र के माध्यम चल रही है 12 दिन में एक बैठक भी नहीं कर पा रही है, तो आप उनकी संवेदनशीलता को नौकरशाही हावी है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नौकरशाही हावी है। इस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं, हर विभाग के लोग नियमितीकरण के लिए आ रहे हैं, इस रवैया को क्या कहेंगे आप? देखिए, नियमितीकरण का हर विभाग इसलिए आ रहा है कि 3 साल सरकार का कार्यकाल निकल गया, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था। अब बोलते हैं कहीं परीक्षा लेंगे, कहीं मनरेगा वालों का छटनी करेंगे। कमेटी जो गठित हुई है, मैं एक ठो गंभीर बात बोलना चाहता हूँ, वो कमेटी नियमितीकरण के लिए बात और चर्चा तो करे। पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपया राज्य सरकार को मिला और उसका उपयोग बिना किए केंद्र सरकार को 31 मार्च को सरेंडर कर दिया गया, वापस कर दिया। मेरे पास आंकड़े हैं, 400-500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा का केंद्र सरकार के पैसे का उपयोग नहीं कर सकता। उस पैसे से इनका नियमितीकरण हो सकता है, गांव-गांव में काम हो सकता है, विकास होता है, लेकिन उस पैसे का या तो दूसरा उपयोग करेंगे, वापस करेंगे। 2017-18, 18-19, 19-20 के 3 साल के बजट में 500 करोड़ रुपए के आसपास केंद्र सरकार को लौटाया गया है। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि इनकी मांग जो है नियमितीकरण है और ये अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखना यही होगा कि इनके मांगों के आधार पर जो है कमेटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन अभी कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है, इसको लेकर वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि चुनावी का दौरा है और जो सीएम है हर जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कब तक इनकी जो है सुनवाई होती है। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज 24 रायपुर। टी शर्ट मिलता था उसके ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये पहले जैसा ही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जगह जगह जो बैठक ली जा रही है वह 21 मई को एक विशाल मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर यह तमाम तरह की रणनीतियां की जा रही हैं। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि अगर करना है तो संविधान में प्रस्ताव लाकर 9वें अंगसूची में दिया जाए, जिससे बात ही नहीं होती और जो ओबीसी वर्ग है वह भी खुश हो जाएगा। यश खरे, न्यूज 24 कटनी।